नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर होते हैं ना, वो कभी सुधरने वाले नहीं है। जो सूट बूट वाले लीडर है ना, जो टाई वाई लगा के कोट पहन के गली मोहल्ले में घूम रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट जो बेच रहे होते हैं, तेल साबुन जो बेच रहे होते हैं गली गली मोहल्ले में जाके ना, वो कभी बदलने वाले नहीं है और वो कभी किसी की सुनने वाले नहीं है। मतलब थुथुर होते हैं ये, किसी की बात को ये नहीं मानेंगे। कंपनी इनके साथ चाहे जितना भी बुरा करेगी ना, कंपनी इसको बेच डाले, इसका गुर्दा बेच दे, कुछ भी बोल दे, कंपनी की हकीकत पे लोग का नज़र नहीं रहता। कंपनी जो बोलते हैं उन्हें भक्त बन के मानते रहते हैं, अंधा भक्त बन के। अगर आँख पे से पट्टी हटा दोगे ना, तो उसे सब चीज़ बुरी लगने लगेगी, बेकार लगने लगेगी, उस कंपनी की सारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया मिलकर कंपनी की सच्चाई बताते रहो और ये लीडर बाज आने वाले नहीं है। वो यही मान के बैठे कि ना, कंपनी हमारा बाप दादा है, हमारे घर का खर्चा चला रही है। ये तो सही बात है, चलो तुम्हारे घर का खर्चा चला रही है, अच्छी बात है, लेकिन कितना कितना खर्चा चला रही है भाई? एमवे इंडिया के साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ, एमवे इंडिया ने तुम लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम किया, इंडिया के साथ स्कैम किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आड़ में ये कंपनी पिरामिड स्कीम चला रही थी, इतना बड़ा स्कैम करके जा रही है, लेकिन तुम लोग को बता रहा है, गवर्नमेंट बता रहा है, न्यूज़ पे आ रहा है ये बात है। मैं जो ये बात बता रहा हूँ ना, NDTV इंडिया के वेबसाइट से देख के मैं आप तक ये बात को पहुँचा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो कि आप लोग मानने को तैयार ही नहीं हो और आके वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि तू नेटवर्क मार्केटिंग का N नहीं जानता है। चलो कोई बात नहीं, मैं N नहीं जानता, लेकिन तुम N जानकर मूर्ख बने हुए हो, पागल बने हुए हो, तो तुमसे अच्छे हम हैं ना। मेरे को मालूम नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ बता दिया हूँ। लेकिन तुमको मालूम होने के बावजूद भी तुम मूर्ख बने हो, बेवकूफ़ बने हो, कंपनी तुम्हें बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बना रही हो और तुम बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनते जा रहे हो। एमवे इंडिया के साथ क्या होगा नहीं मालूम तुम लीडरों को? हाँ, इतने बड़े बड़े लीडर, एमवे इंडिया इतना बड़ा फ्रॉड करी इंडिया के साथ, और इंडिया ने इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया, जब्त कर लिया गया है, बैंक के FD द्वारा जितने भी पैसे रखे थे ना FD करके, उसको भी सीज कर दिया गया, उसकी जो ज़मीन थी ना तमिलनाडु के एक ज़िले में, वो ज़मीन को भी, और जो मैन्युफैक्चर मशीन था वो सारे प्लांट पे भी गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है अपने अंदर। और तुम लीडर, तुम ये कैसा भक्ति चढ़ा हुआ है भाई? माफ़ करना मेरी बात बुरी लगेगी आप लोगों को, लेकिन ये कौन सा नशा है भाई? क्या पिला दिया है इन्होंने? नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो कंपनी है, MO है, चाहे वेस्टीज हो, चाहे अदर कोई भी कंपनी हो, मोदी केयर हो, प्रोवेदा हो, या हाल फिलहाल में आने वाली विनफिनिट हो, ये सब कौन सा नशा तुम लोग को दे दिया है जो इनके अलावा किसी की बात सुनते नहीं हो, किसी की बात को मानते नहीं, बन आगे दूसरा कोई सच भी बता रहा होता है तब भी उसको नहीं समझते हो? थोड़ा दिमाग है ना आपके पास, थोड़ा भी दिमाग है तो लगाओ ना यार, ज़रा सोचो ना क्या हो रहा है। एमवे इंडिया 2002 से लेकर कितना बड़ा बिजनेस किया है और तुम लोग को क्या देता है? ठेंगा 2002 से लेकर कंपनी अभी तक कितना का बिजनेस किया है? 27,562 करोड़ का मुनाफा हुआ है कंपनी को। कितना, ध्यान से सुनो, 27,562 करोड़ का मुनाफा किया है कंपनी, 27,562 करोड़ का। और जितने भी सूट बूट वाले लीडर हैं ना, जो इनके लिए काम करते, गली गली नगर डगर 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 घूमते हैं ना प्रोडक्ट के लिए, जिनकी बदौलत आज कंपनी का ये मकाम है, लीडर की वजह से ना कंपनी का ये मकाम है, हाँ आपकी वजह से कंपनी का ये मकाम है, ये जितने भी नेटवर्कर है उनकी वजह से कंपनी का ये मकाम है। कंपनी को इतना बड़ा मुनाफा मिला और तुम्हें क्या दिया है? मैं यही बताना चाह रहा हूँ यार, तुम्हें क्या दिया है? जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उनको कमीशन कितना दिया गया है, चाहे वो अमेरिका के लीडर हो चाहे इंडिया के लीडर हो, और दोनों लीडर को मिलाकर कितना का कमीशन दिया है? 7,588 करोड़ का कमीशन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो इनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं ना उनको। तो यार आँख पर से पट्टी हटाओ और ज़रा सच्चाई को पहचानो। अब असली तुम्हें 5 लाख का पे आउट आता होगा, 10 लाख का, 50 लाख का पे आउट आता होगा, ये बात को हम मानते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं कि चलो आपको इतना का पे आउट आ रहा है, लेकिन कंपनी अगर सही से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती तो आज आपका 50,000 आ रहा है तो वो 60,000 तो हो सकता था ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कर रही ना इंसाफी, आपका भी काटा गया है, आपको भी पूरे तरीके से इनकम नहीं दिया गया है। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, तो मुझे बोल रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग का N नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, मैं तो N नहीं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन तुम सब नेटवर्क मार्केटिंग का N जानकर भी इतना सारा मूर्ख बने हुए हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये कंपनी मदर कहलाता था,
मदर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कल्चर इन्होंने ही शुरू किया था, एमवे इंडिया ने। लेकिन ये कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे स्कैम चलाया, पिरामिड स्कीम चलाया, और एडी इंडिया ने इनके सारे प्रॉपर्टी पे कब्जा बोल दिया, मतलब प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। किस लिए? एक रीज़न तो यही है कि लीडर को सही तरीके से कमीशन नहीं दिया है नेटवर्कर को। दूसरा ये है कि FMCG प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से, जो ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट है, उनसे 4-4 गुना 5-5 गुना महंगा ये सेल करते थे। और इसको सेल कौन कराते हैं? लीडर ही, आप जैसे लीडर ही ने इसको सेल कराया है। तो देखो ना यार, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुआ है आप लोगों के साथ। तो आंखें खोलने की ज़रूरत है, और फिर मुझे आके ये कमेंट ना करना, ठीक है? तो बस वीडियो का करते हैं यहीं पे कंप्लीट। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना राय विचार अभी भी दे सकते हो। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जैसे भी, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।